हेलो एवरीवन, मैं हूँ संजय। फेसबुक के अंदर वीडियो अपलोड करके आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको फेसबुक का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया को आपको कंप्लीट करना होगा। वो क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद आप भी फेसबुक से पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर आपके फेसबुक पेज के अंदर या फेसबुक अकाउंट के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट मैच, म्यूजिक से कॉपीराइट, आपका खुद का कंटेंट है फिर भी आपको कॉपीराइट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने किसी और का वीडियो कॉपी करके पेस्ट कर दिए, इसके वजह से आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिल सकता है। तो यही प्रॉब्लम अगर आपके चैनल पे आता है, मतलब आपके फेसबुक अकाउंट या पेज के अंदर आता है, तो आप फेसबुक से पैसा नहीं कमा पाओगे। कॉपीराइट प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वही वीडियो से बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका है। इसके अलावा बहुत लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। इसका रीजन क्या है? जिन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, उन लोगों का दो रीजन हो सकता है। एक तो आप वीडियो कम्प्लीटली वॉच नहीं किए, और दूसरा रीजन है जब आपको नोटिफिकेशन मिला था कॉपीराइट स्ट्राइक का, उसी टाइम पे आपको एक काम करना चाहिए था। मतलब आपका कोई कॉपीराइट स्ट्राइक व कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट मैच, जो भी प्रॉब्लम आपको नोटिफिकेशन पे मिला था, उसी टाइम पे आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए था। मतलब 24 आवर के अंदर आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, जब आपका पेज पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आप ढीला छोड़ देते हो, बहुत लेट कर देते हो यही कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के लिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए ऐसे रिलेटेड वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मैच प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वही अकाउंट को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसी प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल करोगे, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हेल्प एंड सपोर्ट, इसी जगह पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट इनबॉक्स, इसी जगह पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा योर अलर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे यहाँ पे कॉपीराइट मैच हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसी जगह पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपका जो कॉपीराइट का क्लेम आया था यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे सी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो कॉपीराइट क्लेम आया है यहाँ पे कितने टाइम के लिए, कितने टाइम पे आया है, वीडियो से कितने टाइम से कितने टाइम कॉपीराइट मैच हो चुका है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कॉपीराइट कैसे काम करता है यहाँ पे पूरा बताया गया है, चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोडिंग चलेगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग गलती कर लेते हो जिसके वजह से आपका जो कॉपीराइट का क्लेम है वो रिमूव नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक्सेप्ट चेंज इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्सेप्ट चेंज है ना, यहाँ इसका मतलब है अगर आप कोई भी वीडियो पे, मतलब आपका खुद का वीडियो पे किसी बैकग्राउंड पे म्यूजिक यूज किए हो, वही म्यूजिक कॉपीराइट फ्री नहीं है, लेकिन आपने यूज किए हो, यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट चेंज कर ले तो इसका मतलब है आपका जो रेवेन्यू है इनको शेयर करना है। मतलब कि म्यूजिक आपने यूज किए हो वही म्यूजिक के ओनर के साथ आपको रेवेन्यू शेयर करना है। रेवेन्यू का मतलब आपका जितना भी अर्निंग होगा वही अर्निंग आपको शेयर करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज नहीं करते हो, यहाँ पे और कोई भी रास्ता नहीं है आपका वीडियो को कॉपीराइट क्लेम से रिमूव करने के लिए। मतलब आपका अगर म्यूजिक से आता है तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो कॉपीराइट का क्लेम आया था म्यूजिक से वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे बैक कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, इसके बाद आते हैं सबमिट डिस्प्यूट, इसका मतलब क्या है। तो ये जो सबमिट डिस्प्यूट है ना, अगर आप वीडियो पोस्ट करते हो, मतलब आपका खुद का वीडियो है, आप किसी का वीडियो यूज नहीं किए हो, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप नहीं यूज किए हो, आपने खुद ने क्रिएट किया आपका वीडियो, फिर भी आपको एक कॉपीराइट का स्ट्राइक देखने को मिलता है, इसी टाइम पे आपको यहाँ पे सबमिट डिस्प्यूट करना है। और किसी रीजन से यहाँ पे सबमिट डिस्प्यूट नहीं करना है आपको। अगर आपका खुद का वीडियो है तो फिर यहाँ पे सबमिट डिस्प्यूट करो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओपन फॉर्म है, इसी जगह पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल कंटेंट, अगर आपका वीडियो ओरिजिनल है, मतलब आपने खुद ने क्रिएट किए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लाइसेंस कंटेंट, मतलब अगर आपने किसी का वीडियो यूज कर रहे हो, लाइसेंस दे रखा है इसलिए आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पब्लिक डोमिनियन, पब्लिक का कोई प्रॉपर्टी आपने यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा आपने किसी और वेबसाइट से वीडियो
डाउनलोड करके पोस्ट किए हो तो यहाँ पे आपको अदर्स पे क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, वीडियो आपका खुद का है, आपने खुद ने क्रिएट किया है, इसी वीडियो का ओनर आप ही है और आपने बैकग्राउंड पे जो म्यूजिक यूज किए हो वो भी कॉपीराइट फ्री है। तो ऐसे करके लिख के आपको सबमिट करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिख के दे दूंगा यहाँ पे आपको क्या लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करना है आपको। तो इसके बाद आप देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो और एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रिमूव वीडियो। इसका मतलब क्या है, अगर आपने किसी और का कंटेंट यूज किया, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दिए, आपने कोई एडिट फेडिट भी नहीं किए, डायरेक्ट पेस्ट कर दिए, तो पेस्ट करने के बाद आपको एक कॉपीराइट का स्ट्राइक देखने को मिलता है। तो उसी टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक रिमूव नहीं करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आप कोई भी रेवेन्यू अर्न भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो को आपको परमानेंट डिलीट करना होगा। ऐसी टाइप की कोई भी वीडियो आपने पोस्ट की हो तो इसको परमानेंट डिलीट कर देना है, आपके चैनल पे रखना नहीं है। अगर आप रखोगे तो आपका चैनल बाद में खतरे में पड़ सकता है, मतलब बाद में मोनेटाइज अप्लाई करने जाओगे तो मोनेटाइज भी नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको कितने टाइम से कितने टाइम पे करना है, जब भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का नोटिफिकेशन आएगा तो उसी टाइम से शुरू करके 24 आवर्स के अंदर आपको ये सब काम करना है, नहीं तो आप जितना देरी करोगे मतलब आपका अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है तो आपको ये काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो रिमूव वीडियो है इसी रिमूव वीडियो को आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे डिलीट वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत लोडिंग चल रहा है, यहाँ पे देखो क्लोज। तो यह मेरा जो वीडियो है कॉपीराइट का जो स्ट्राइक है आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा जो कॉपीराइट स्ट्राइक था यहाँ पे रिमूव हो चुका है। आई होप आप समझ गए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए ऐसे रिलेटेड वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।